तो पहला सवाल ये है कि जो राजस्थान में जुनैद और नासिर की जो हत्या हुई है उसको जो है जिंदा जला दिया गया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कि आप भी एक सनातनी है, क्या आपके धर्म में लिखा हुआ है कि इंसानों का कत्ल कर दो? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चाहे धर्म कोई सा भी हो, धर्म आपने बोला कि आप सनातनी है, चाहे मेरा धर्म हो, चाहे फिर वो मुसलमानों का धर्म हो, चाहे सिख का धर्म हो, चाहे ईसाई का धर्म हो, किसी भी धर्म और मजहब में किसी भी व्यक्ति को जलाना नहीं लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति की निर्मम हत्या करना नहीं लिखा हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो देश के अंदर जुडिशरी है, देश की न्यायपालिका है, देश की कानून व्यवस्था है, उसके जरिए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कानून जो उसको सजा देगा वो स्वीकार करता है। लेकिन आप किसी व्यक्ति को जला देते हैं और उसको गाड़ी के अंदर जला देते हैं, ये सरासर गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक अपराधियों का पता भी नहीं है, क्या जांच हो रही है और क्या नहीं हो रही है इसका भी कोई पता नहीं चल रहा है। इस प्रकार से मॉब लिंचिंग के नाम पर पहले भी कई हत्याएं हो चुकी हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कई लोग मॉब लिंचिंग का शिकार हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार कोई कड़ा नियम और कानून नहीं बनाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस गौरक्षा के नाम पर लोगों का कत्ल कर दिया जाता है, लोगों को जला दिया जाता है, उसी गौरक्षा के नाम पर जब बीजेपी के नेता इस स्टेटमेंट को देते हैं, ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैं बीफ खाता हूं और मेरे इससे मेरी पार्टी को भी कोई आपत्ति नहीं है, तो हमें बड़ा दुख होता है कि एक और तो गरीब लोगों की जान जा रही है सिर्फ गाय के नाम पर वोट बटोरा जा रहा है, दूसरी ओर भाजपा के नेता जब गाय का गोश्त खा रहे हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनके ऊपर कोई उनका हिंदुत्व खतरे में नहीं आता। असल में भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा। दूसरी बात ये कि देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी गतिविधियां हो गई बीते कुछ दिनों के अंदर में, चाहे फिर वो आपका पंजाब के अंदर हो, चाहे फिर वो आपका दिल्ली के अंदर हो, चाहे फिर वो आपका राजस्थान के अंदर में हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर एक शिकस्त नहीं है। वो बंदा एक ऐसा बंदा है जो हर जगह चुनाव में बिजी रहता है। आज भी मोदी जी कर्नाटक के अंदर है, आपको पता ही होगा, मोदी जी मेघालय के अंदर थे कुछ दिन पहले, फिर कभी नागालैंड को संबोधित करते हैं। आप ये सोचिए, इतनी दो व्यक्तियों की जान चली गई लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ना तो ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं, ना गृह मंत्री जी बोलने को तैयार हैं। मोनू मानेसर जैसे लोग जो है दावा करते हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम गाय की रक्षा करते हैं। अभी जो है जो नासिर और जुनैद की जो हत्या हुई है उसमें एक मोनू मानेसर नाम का जो एक व्यक्ति है उसका नाम आ रहा, अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले आपको एक चीज पूर्णतः स्पष्ट कर देता हूँ कि उसमें से चार्जशीट से नाम भी हट गया है। नहीं नहीं, नाम तो नहीं हटा है, वो फेक न्यूज है। जी जी जी, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, चार्जशीट में नाम हटने का नहीं, मतलब फेक न्यूज है, वो फेक न्यूज नहीं। नहीं सुनिए, पहले सुन तो लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जो चार्जशीट में जो नाम हटा है, जिस तरीके की न्यूज जो वायरल करी गई थी, उसके बाद से पुलिस के द्वारा भी कोई एक्शन वहां पर नहीं लिया गया, पुलिस ने भी कोई कार्रवाई वहां पर नहीं करी, आपने देखा ही है। इस प्रकार से मैं आपको ये कह रहा हूं कि पहले भी उस व्यक्ति के ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज, एफआईआर दर्ज। कौन से व्यक्ति? लेकिन जी कौन से व्यक्ति? मोनू मानेसर के ऊपर। अच्छा, आपने देखा होगा कि कैसे किस प्रकार से हथियारों के साथ उसकी फोटोज भी वायरल होती है, बीजेपी के नेताओं के साथ भी उसकी फोटो वायरल होती है, किस प्रकार से लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। मैं सिर्फ लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने हिंदू और मुसलमान की लड़ाई को इतना बड़ा कर दिया है, आप आखिर कब समझेंगे? आखिर आप तब समझेंगे कि ये देश दोबारा से गुलाम हो जाए, और जब ये देश गुलाम हो जाए फिर दोबारा से आप एक हो और एक होकर अंग्रेजों से लड़ो। सरकार किसकी है? राजस्थान की बात करें, सरकार कांग्रेस की है, तो क्या कांग्रेस ढिलाई कर रही है जानबूझकर? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सरकार किसी की भी हो, अगर किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो उसमें इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे फिर वो सरकार कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, किसी की भी सरकार हो। मोनू मानेसर को कांग्रेस का सह है क्या? जी मोनू मानेसर को कांग्रेस का सह मिला? देखिए ये तो मैं बता सकता कि किस पार्टी का सह है और किस पार्टी का सह नहीं है। दूसरी बात यह कि केंद्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो भी तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, केंद्र की सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, दो व्यक्तियों की जान चली गई, वहाँ धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, लगातार धरना हो रहा है जगह जगह। कन्हैया लाल का दुखद घटना हुआ था, अशोक वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो दो घंटे में पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ कांग्रेस की सरकार है, यहाँ हत्या होती है कोई नहीं पहुँचता है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, राजनेताओं की बहुत सारी पॉलिसीज होती है, तो मैं पॉलिटिशियंस की बात पर ना तो मैं बता सकता हूँ पॉलिटिशियन के मन में क्या चल रहा है, विचार में क्या चल रहा है, ना पॉलिटिशियन के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि इन दो व्यक्तियों को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ में इस प्रकार की घटना होती है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और पूर्णतः मोनू मानेसर धर्म की रक्षा कर रहे हैं जी, आपको लगता है कि मोनू मानेसर धर्म की रक्षा कर रहे हैं? एक बात आप मुझे बताइए, अगर धर्म की रक्षा कर रहे हैं, जब बलात्कारी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटते हैं, क्या गाय से ऊपर, एक बात आप मुझे बताइए, बेटी से ऊपर गाय है क्या? एक बात आप मुझे बताइए, जब बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जाती है तब क्यों नहीं करते बलात्कारियों को, बताइए ना, तब बलात्कारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं किया जाता है, क्योंकि ये लोग सिर्फ ये देखते हैं कि किसी भी हत्याकांड के अंदर अगर अपराधी मुसलमान हो तो कार्रवाई होती है। अभी आप ये देख लीजिए, टीवी चैनल्स पर ये न्यूज गायब है,
टीवी चैनल्स आपको कोई इस न्यूज को नहीं दिखाएगा। वो इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि अगर यही घटना किसी हिंदू के साथ में हो जाती तो पूरा टीवी चैनल हिंदू मुसलमान करने के लिए तत्पर हो जाता पूरी तरीके से, लेकिन अब नहीं दिखाएगा। वो इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि अपराधी हिंदू हैं। ये अपराधियों को जाति धर्म और मजहब से जोड़ते हैं। इस देश के अंदर जितना जमीर इस देश की मीडिया ने गिराया है शायद ही किसी ने गिराया हो। इस देश के अंदर ये लोग लगातार हिंदू मुसलमान को बांटने का प्रयास करते हैं, ये इनकी पुरानी और गंदी आदत है। एक आरोप जो है नासिर जुनैद पे लगाया कि वो गौ तस्करी करते थे, इस पे क्या कहेंगे? जी देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति गौ तस्करी करता है तो सरासर गलत है, और अगर उसके ऊपर ये आरोप लगा है तो FIR उसके ऊपर दर्ज होनी चाहिए थी। कानून कार्रवाई होकर कानून उसको जो सजा देगा, कानून उसको चाहे उम्र कैद दे चाहे उसको फांसी दे, वो सजा जायज है। लेकिन आप देश की जुडिशरी, देश की न्यायपालिका थोड़ी है जो आप किसी व्यक्ति को गाड़ी के अंदर जला देंगे। आपको जलाने का राइट है? आज तक कितने बलात्कारियों को जलाया गया बताइए? जिन्होंने बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी, क्या उनको जलाया गया बताइए? आपने जला दिया। इससे पहले एक बात, और बीजेपी के नेता ने जो बयान दिया कि मैं गाय का बीफ खाता हूँ है, और मेरी पार्टी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? तो जलाने वालों को आप क्या मानते हैं? जलाने वालों को आप क्या मानते हैं? वो लोग अपराधी हैं, गौरक्षक नहीं मानेंगे। क्यों भाई, किस लिए गौरक्षक? जब एक व्यक्ति और आपके अंदर अगर इतना दम है, इन लोगों के मुंह से हलकना इनका सूख जाता है, ऐसा सूख जाता है, इनका जमीर इतना गिरा हुआ है। इतने निचले स्तर के लोग हैं, बीजेपी के जो नेता ने बयान दिया ना उस पर एक नहीं बोला कि गौ रक्षा के नाम पर, क्योंकि बीजेपी का नेता है भैया, अगर बीजेपी के नेता के खिलाफ जाएंगे तो मोदी जी उठवा के इन सबको बंद कर देंगे, इनकी गौ रक्षा ना इकट्ठी कर देंगे। इनके दिमाग में वही गोबर भरा हुआ है और इनके दिमाग में और कुछ नहीं भरा हुआ। बजरंग दल के लोग जो है निचले स्तर के लोग हैं, बजरंग दल के नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सुनिए मेरी बात, मेरे कहने का अर्थ और तात्पर्य ये है कि अगर आपको गौ रक्षा की इतनी चिंता है तो बीजेपी के नेता ने जो स्टेटमेंट दिया कि मैं बीफ खाता हूं और मेरी पार्टी को उससे कोई आपत्ति नहीं है, तो उसपे क्यों नहीं बोले? उसपे क्यों नहीं बोले? इसका अर्थ क्या है कि वो लोग डरते हैं बीजेपी के नेताओं से? तो डर तो कांग्रेस वाले भी रहे, डर तो आपके जैसे हिंदू भी रहे, कहां कोई बोल रहा है? कहां नहीं, कोई कौन नहीं बोल रहा? अरे किसने नहीं बोला? कौन उठा रहा है? नहीं किसने नहीं बोला? अरे मैं तो खुद उनके परिवार पे जाऊंगा, मैं उनके परिवार के से खुद मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं खुद कल या परसों के अंदर में उनके परिवार से मिलने के लिए जा रहा हूँ। क्यों नहीं जाऊंगा? मिलने के लिए जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। इस देश के अंदर ऐसे व्यक्तियों को अगर मौत के घाट पर उतार दिया जाएगा तो क्या होगा इस देश का? मैं तो खुद मिलने के लिए जाऊंगा और मैं खुद उनके लिए आवाज लगातार उठा रहा हूँ, पहले दिन से बोल रहा हूँ, क्योंकि आज अगर मुसलमानों को मारा जा रहा है तो कल को अगर हिंदुओं को मार दिया गया फिर क्या होगा? आप तो लोगों को ऐसे ही मारते रहेंगे। अगर मान लीजिए कल को कोई हिंदुओं को जला दिया गया और आपने कह दिया, हिंदुओं के ऊपर आपने आरोप लगा दिया कि जी भैया ये इसकी तस्करी कर रहे थे, उसकी तस्करी कर रहे थे, तो मैं कह रहा हूँ न्यायपालिका बंद कर दो, आप लोगों को गाड़ियों में आग लगा दो। अरे कितने बलात्कारियों को लगाया आपने आग, ये बताइए ना, आप न्यायपालिका से ऊपर है क्या? न्यायपालिका सर्वोपरि, और न्यायपालिका को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, और जो भी अपराधी और दोषी इसमें पाए जाएं उनको फांसी की सजा बीच चौराहे पे होनी चाहिए, ताकि इस देश में दोबारा से किसी व्यक्ति के साथ मॉब लिंचिंग जैसी घटना या किसी भी व्यक्ति को गाड़ी के अंदर ना जलाया जा रहा है उनके समर्थन में हरियाणा में। क्या कहेंगे फिर ये लोग? महामूर्ख लोग हैं। अरे कोई लोग नहीं है, ये नरसिंहानंद जैसे लोग हैं जो इस दुनिया में अभी जन्मे हैं साल 2014 के बाद में। ये लोग समय समय पर आकर ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं। आप खुद एक समझदार एक पत्रकार है और इतने तमाम लोग यहाँ पत्रकार खड़े हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि साल 2024 का चुनाव सर पर है। अगर हिंदू और मुसलमान नहीं होगा, साल 2024 से पहले कई राज्यों में चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो अगर हिंदू मुसलमान नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी कैसे जीतेगी? आप सोच लीजिए, 100 गांव के जो है हिंदू इकट्ठे होते हैं और मोनू मानेसर के समर्थन में जो है पंचायत करते हैं उसको बचाने के लिए। क्या माने, हिंदू जाग रहा है या भाग रहा है? कोई हिंदू नहीं जाग रहा है, हिंदुओं को तो ये गलत रास्ते पे ला रहे हैं। हिंदुओं के बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, 10वीं की 12वीं की सभी बच्चों की परीक्षा चल रही है, उन परीक्षा पे चर्चा करने नहीं दे रहे हैं, बच्चों को इन सब चीजों में उलझा के रख रहे हैं। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, कोई भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक सभ्य देश का समाज का व्यक्ति, एक सभ्य नागरिक कभी भी किसी भी हिंसा को समर्थन नहीं करेगा, हिंसा का समर्थन नहीं करेगा। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि लोग ऐसे लोगों को समर्थन कर रहे हैं, ना जाने इनकी दिमाग पर कौन सा पत्थर गिर गया है या इनके दिमाग में कौन सा गोबर भर गया है कि ये लोग ऐसे व्यक्तियों का समर्थन कर रहे हैं। शर्मा, देश भर के हिंदू क्या जुनैद और नासिर के परिवार के साथ है? जी पूरे देश भर के हिंदू नासिर और जुनैद के साथ। देखिए मैं आपको क्या बोलता हूँ, आपने सोशल मीडिया नहीं देखा होगा लेकिन सोशल मीडिया के हैंडल्स पर देखिए, इंस्टाग्राम पे लोग छोटी छोटी वीडियो बनाकर डाल रहे हैं और उसमें यही लिख रहे हैं कि आई सपोर्ट जुनैद और नासिर, और उसमें ये भी लिख रहे हैं कि अगर इनके ऊपर गौ तस्करी का आरोप था, तो लोग ये भी लिख रहे हैं कि अगर गौ तस्करी का आरोप इनके ऊपर था तो FIR करके कानून के जरिए इनको सजा दी जानी चाहिए थी। लेकिन आप अगर किसी व्यक्ति को ऐसे गाड़ी के अंदर जलाते हैं तो ये सरासर गलत है।
इस देश के अंदर ये बिल्कुल नहीं चलेगा, हरगिज नहीं चलेगा। और मैं खुद उनके परिवार के साथ खड़ा हूँ, मैं उनके परिवार से खुद स्वयं मिलने के लिए जाऊंगा, क्योंकि आज अगर किसी जुनेद और नासिर को मारा जा रहा है तो कल को किसी और व्यक्ति को मारा जाएगा, तो ये देश में हरगिज नहीं चलेगा। मैं उनके परिवार से बहुत जल्द मिलने के लिए जाऊंगा, और जब मिलूंगा तो आप सभी लोगों के सामने वो चीज़ आएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।